नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को था, जब अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी और नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को ये जता दिया कि अब चुनावी तैयारी में जुट जाए। अमित शाह ने आज वर्चुअल रैली के जरिए दरभंगा के तमाम वरीय नेता एवं कार्यकर्ता, गांव से लेकर शहर तक, हर पंचायत में, हर मोहल्ले में लोग अपने अपने तरीके से यूट्यूब, फेसबुक, टीवी चैनल और मिथिला मंच न्यूज पे इसका लाइव प्रसारण किया। इसके अलावा नेताओं के द्वारा अपने घर पर ही टीवी लगाकर आसपास के नेता कार्यकर्ताओं को जमा कर अमित शाह के उस वर्चुअल रैली को, संबोधन को देखा। और इस बीच बीच में सभी नेता इनकलाब जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। पहली बार किसी राष्ट्रीय महामारी में पूरे देश में 130 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक साथ, तन मन के साथ इस वैश्विक महामारी से लड़ने का काम किया। नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली ईमानदारी नेतृत्व के साथ पूरा देश खड़ा है। गौरतलब है कि आज अमित शाह ने लोगों को बताया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार है और बीच में उन्होंने सुशील मोदी के नेतृत्व, यानी दोनों को जोड़ा। बीच में जो खटास की बातें राज्य के द्वारा बताई गई थी कि नीतीश और भाजपा के बीच एक विवाद चल रहा है, लेकिन आज अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में किस तरह नीतीश कुमार के द्वारा सबको पैसे दिए गए, इसके अलावा उन लोगों को खाने की व्यवस्था की गई, कैसे उन लोगों को बिहार लाया गया। सभी बातों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि बिहार में जो 1,25,00,000 रुपए जो दिए गए थे वो धरातल पर दिख रहा है और इसको जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ये एक एक्सपेरिमेंट था। ये वर्चुअल रैली के जरिए अमित शाह ने जो कार्यकर्ताओं को, खासकर नेताओं को बताया कि आप भी इस तरह के रैली कर, अब चूंकि अभी के स्थिति में और आने वाले समय में शायद इतनी भीड़ नहीं जुटा पाएंगे जिससे पहले रैलियां हुआ करती थी, तो एक वर्चुअल रैली के जरिए ही अब नेता अपने वरीय नेता, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की पूरी उपलब्धियों को जनता के बीच लाएंगे। आज दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी, सांसद गोपाल जी ठाकुर के अलावा कई नेताओं ने अपने अपने जगहों पर सभी कार्यकर्ता और नेताओं को वर्चुअल रैली का संबोधन सुना और बीच बीच में तालियां बजाकर स्वागत किया। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस वर्चुअल रैली का क्या असर पड़ेगा और आने वाले समय में चुनाव का जो अब कार्यक्रम होगा वो क्या वर्चुअल रैली एक नई दिशा देगा, क्या वर्चुअल रैली के जरिए ही सभी नेता भाजपा के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएगी। देखिए मिथिला मंच न्यूज पर। अमित शाह जी ने जन संवाद के माध्यम से संपूर्ण बिहार में एक एक बूथ स्तरीय कार्यकर्ता एवं जनता के साथ जो संवाद स्थापित करने का काम किया है, उससे संपूर्ण बिहार के जनता के तरफ से उनको हम बधाई और धन्यवाद पहले देना चाहेंगे। जो पहला रैली उन्होंने वर्चुअल रैली करके और संपूर्ण बिहार के लोगों का दिल जीतने का काम उन्होंने किया, और परम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक साल का काम उपलब्धि उन्होंने जो गिनाया है, आज बहुत सारे लोगों को इतना उपलब्धि एक साथ सुनने को मौका मिला, लोगों में प्रसन्नता है। उन्होंने कहा जो आज 125,00,000 रुपया हमने एक पैकेज के माध्यम से दिया, वो जनता बिहार का सुने, जो हम कहाँ कहाँ खर्च किया एक एक बात उन्होंने गिनाने का काम किया। उन्होंने कहा जो सिमरिया पर भी, गंगा पर भी हम पुल बनाने जा रहे हैं और इस दरभंगा के धरती पर आज सैकड़ों करोड़ की लागत से हवाई जहाज, हवाई चप्पल यहाँ के लोग पहन के जाए, उसके लिए मिथिला में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हवाई जहाज भी यहाँ से चालू होने वाला है। उन्होंने कहा जो 1,361 करोड़ रुपया हमने दरभंगा में दिया एम्स के लिए, जहाँ पूरे देश में 7 एम्स का निर्माण हो रहा है, वहाँ एक दरभंगा मिथिला के केंद्र में उन्होंने देने का काम किया। उन्होंने कहा है जो यहाँ इस मिथिला के विकास के लिए, उत्तर बिहार के विकास के लिए जो प्लान करोड़ों लोग कर गया है, उसके लिए आज पूरे देश में मोदी की सरकार
नरेंद्र मोदी की सरकार 370 धारा खत्म करने का काम किया, उन्होंने नागरिक संशोधन कानून लाने का काम किया। वर्षों सैकड़ों वर्षों से यह कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा था। आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय अमित शाह जी ने यह कानून ला करके दुनिया को दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा जो 150 वर्षों से अयोध्या राम जन्मभूमि का सपना उस अदालत में पड़ा हुआ था और 600 वर्षों से आज तक किसी ने नहीं सोचा मिथिला की बेटी माँ जानकी सीता के लिए अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का निर्णय आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय अमित शाह के नेतृत्व में आज हो रहा है। संपूर्ण मिथिला की तरफ से हम बधाई देना चाहेंगे। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी, बिहार के लिए जो काम किया वह भूतो न भविष्यति, आज तक किसी ने सोचा नहीं। उत्तर बिहार को दरिद्र बनाने का काम जो कांग्रेस की सरकार और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने किया, आज उसको भरपाई करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय अमित शाह जी जुटे हुए हैं। जहां डीएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी 150 करोड़ की लागत से उन्होंने दिया, यहां डीएमसीएच के पास आज तक न्यूरो हार्ट का विभाग नहीं था, यहाँ पर पानी में हेल रहा था और वहीं पर एम्स का भी निर्माण हो रहा है। आज दरभंगा में 8-8 आरओबी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दरभंगा को मिला है और नरेंद्र मोदी जी का सपना है। जब तक इस मिथिला का विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास अधूरा है, और जब तक बिहार का विकास नहीं तब तक देश का विकास अधूरा है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार यहाँ पर जो काम प्रारंभ किया है, आज जो अयोध्या से जनकपुर धाम का जो रामायण सर्किट से जोड़ने का काम किया, उन्होंने कहा देश के अंदर में सबसे बड़ा पुल का निर्माण मधुबनी के उच्चैठ भगवती से लेकर के और सहरसा के महिषी भगवती तक देश का सबसे बड़ा पुल और सड़क का निर्माण होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर रहा है। मिथिला को तो जो सम्मान पाग पर डाक टिकट जारी करके उन्होंने दिया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज 8 करोड़ लोगों के घर में गैस पहुंचाने का काम किया है। आज उन्होंने यहाँ पर बिजली, आयुष्मान भारत की बात हो, गरीब का यहाँ पर आयुष्मान भारत 5 लाख की बात हो, चाहे अनेक ऐसा योजना ला करके अंत्योदय योजना के माध्यम से उन्होंने 5 किलो अनाज और आज तक किसी सरकार ने दाल नहीं दिया था, नरेंद्र मोदी की सरकार आज चावल के साथ दाल भी दिया है, वो तो धन्यवाद के पात्र है। यदि कोई गरीबी को नजदीक से यदि सोचा तो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। आज संपूर्ण गरीब देश का गरीब, गरीब का सरकार असली नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आज बने, जो गरीब का चिंता किए हैं, उसका घर का सपना पूरा हुआ है, बिजली दिए हैं, आयुष्मान भारत दिए हैं, उनको वहां पर 5 किलो अनाज अंत्योदय योजना के माध्यम से मिला, अनेक ऐसा विषय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी वर्ष है, ये चुनावी वर्ष है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता और आम जनता की मनस्थिति चुनाव के लिए बनी हुई है, लेकिन यह रैली जो हो रही है, यह 6 साल में जो हमारी सरकार ने किया या 1 साल जो NDA पार्ट 2 ने किया या इस कोरोना में जो हम लोग अपने देश को, अपने देश तैयार हो रहा है, हम इस कोरोना महामारी को अवसर में तब्दील करने जा रहे हैं, यह आज उन्होंने बताया। विपक्ष ने थाली पीट कर इसका वो छाती पीटेगा, थाली की क्या बात है, आने वाले समय में वो छाती पीटने वाला है विपक्ष। आज हम लोगों ने थाली बजाकर, घंटी बजाकर देश में जो कोरोना वॉरियर थे, चाहे वो हमारे चिकित्सा कर्मी थे, चिकित्सक थे, सफाई कर्मचारी थे, जो कोरोना में अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने उनके सम्मान में देश के 135 करोड़ देशवासियों के लिए सम्मान का, तीनों सैनिक, तीनों सेना फूल बरसा कर कोरोना वॉरियर के लिए सम्मान किया, वो भी छाती पीटने वाले आने वाले समय में उन लोगों जो कुकर्म किया। आज नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये काम अच्छा नहीं लग रहा, तो अभी तो आज थाली पीटे, आने वाले समय में वो छाती भी पीटे। लगातार इंडिया की सरकार अभी बिहार में भी और केंद्र में अंतर्गत आज नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार सरकार में नीतीश जी ने बहुत सारी घोषणा की, 40,000 करोड़
केवल मनरेगा में बढ़ाया गया और जो एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है उसका उसकी परिभाषा बदल दी गई। जो मजदूर हैं उनको काम दिया जाए, वो वापस नहीं जाए, इसके लिए उद्योग नीति बदलने की तैयारी हो रही है। इसलिए कोई भी मजदूर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, उनको हम यही रोजगार देंगे। इसकी चिंता जो है देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री का। लेकिन मजदूर तो वापस जाने लगे हैं, जो आए थे, जो जैसे जैसे ट्रेन जाने वाले को रोक नहीं सकता। उनका कहना है कि हम जहाँ वहाँ से बुलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ उनको काम मिल रहा है। विधायक जी, ट्रेनों की बात के लिए तैयार है, जो जाना चाहे। बहुत बसें चालू होगी, ट्रेनें चालू होगी, जिनको जहाँ जाना है लोग जा रहे हैं और जाएंगे भी लोग। लोग को अपना काम है। आज केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री के द्वारा बिहार में जनसंवाद किया जा रहा है, क्योंकि हर जनता के बीच में जनसंवाद कि मोदी जी का छठा साल पूरा हुआ, उसमें क्या क्या हुआ। वही आज जो विपक्ष बोल रहा है कि कुछ नहीं कर पाए मोदी जी, वही आज सबके बीच में सुना रहे हैं कि हम कितने काज किए हैं। आज इस कोरोना के महामारी के बीच में भी मोदी जी हर बीच में, हर समय में जनता के बीच में आके संबोधन दिए हैं, सबको कहे हैं कि हम ये करेंगे और करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आम जनता के बीच में ये संवाद जाना जरूरी था। इसी के लिए गृह मंत्री जी खुद आके आज जनता के बीच में बिहार में सबको संबोधन कर रहे हैं। नहीं नहीं, चुनाव प्रचार क्यों माना जाए, क्योंकि आज जनता के बीच में आए हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आज चुनाव प्रचार का रैली हो रहा। हाँ, मगर एक बात है कि मोदी सरकार आने से हर एक घर की महिला आज मोदी जी को सुनने के लिए, मोदी जी को देखने के लिए, अमित शाह जी को देखने के लिए तत्पर होके बूथ स्तरीय तक महिला पहुंच रही है। शुरुआत ही माना जाए, क्योंकि जहां मोदी है तहां मुमकिन है। क्या नाम हुआ? मीना झा, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज बिहार जन संवाद वर्चुअल माध्यम से दे रहे हैं। इससे हम वार्ड 22 के क्षेत्र से अपने सब ऋषियों के साथ उनके बातों को सुन रहे हैं और उसमें अपने आगे उतारने का कोशिश कर रहे हैं और समझ रहे हैं उनके बातों को। जैसे भारत सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी के पहले विदेश में जिस प्रकार से भारत को दबा कर रखा जाता था, आज किसी को ये ताकत नहीं है जो भारत के खिलाफ कोई आवेदन कर सके। दूसरा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत योजना किया, जिससे बहुत सारे गरीब परिवारों का उसका स्वास्थ्य से भी सुधार आया। उज्ज्वला योजना, बिजली, गांव में बिजली दी है, बहुत सारे ऐसे काम किए और भी बहुत सारे ऐसे बात बता रहे हैं जो हम लोग आगे चल के उनके अनुसरण पे करेंगे। क्या नाम हुआ? अनंत कुमार, नगर मीडिया प्रभारी, दरभंगा। कहाँ पर दिख रहे हैं सब? अपने आवास पे ही सभी आदमी को, सप्तऋषियों को बुला। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर YouTube पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस YouTube चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला मजदूर टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहें अपडेट सिर्फ मिथिला मजदूर पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।